Hello friends, welcome back to Ever Study Classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam. And the topic for today's discussion is social marketing. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास 3500 प्लस MCQs हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर टू कोर्सेज कॉम्बो इसके अलावा पेपर वन जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है सो व्हाट इज सोशल मार्केटिंग सोशल मार्केटिंग की अप्रोच को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनका मेन एम है लोगों के बिहेवियर में चेंजेस लाना जिससे उनका खुद का और सोसाइटी का बेनिफिट हो कमर्शियल मार्केटिंग और सोशल साइंसेस के आइडियाज़ को कंबाइन करके हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर में सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव वे में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं ऑल्दो सोशल मार्केटिंग का एम सोशल गुड होता है और कमर्शियल मार्केटिंग का फाइनेंशियल एम होता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल मार्केटर्स सोशल गुड की अचीवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जैसे हम कई सारे एड्स देखते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं हो रहा होता लेकिन हमारी भलाई की बात होती है जैसे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव सेव वाटर से नो टू प्लास्टिक बॉटल्स एंड मेनी मोर अब हम सोशल मार्केटिंग के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे सोशल मार्केटिंग में हम सिर्फ लोगों को अवेयर नहीं करते बल्कि ये भी ट्राई करते हैं कि उनके बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए As social marketers, हम अपने past experience को use नहीं करते बल्कि जिसके behavior में changes लाने हैं उसकी जगह पर खुद को रख कर हम analyze करते हैं कि उसके perspective से चीज़ें कैसी हैं और किस तरह से change को उस individual के behavior में लाया जा सकता है Behavior को change करने के लिए कुछ चीज़ें give up करनी पड़ती हैं in order to gain something else यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल्स रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स को किस तरह से परसीव करते हैं और क्या बैरियर्स एसोसिएटेड हैं उस चेंज के साथ जो हम उनमें लाना चाहते हैं जब हमें ये पता लग जाएगा तो हम उन्हें डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए इंसेंटिव्स दे सकते हैं और प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए उन्हें नेगेटिवली मोटिवेट भी कर सकते हैं बिहेवियर चेंज को डिज़ाइन करते टाइम हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस का टाइम और अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं और उससे उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं अब हर कोई एक जैसा नहीं होता इसीलिए एक ही अप्रोच सबके लिए काम भी नहीं करती तो हमें ऑडियंस के सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों को एक साथ ग्रुप में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सोशल मार्केटिंग अगर हम सोशल मार्केटिंग के एप्लीकेशंस और यूजेज की बात करें तो हम सब ने कुछ ऐसे ऐड ज़रूर देखे हैं जहाँ पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन नहीं होता लेकिन हमें किसी बात के लिए अवेयर किया जा रहा होता है जैसे जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले वो टोबैको वाला ऐड दिखाते हैं कि टोबैको का कंजम्पशन हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है या फिर जब हम पार्क में कहीं पानी पीते हैं तो टैप के ऊपर लिखा होता है कि प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज एंड सेव वाटर तो इस तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे एंटी टोबैको कैंपेन एंटी ड्रग कैंपेन से नो टू ड्रग्स एंटी पॉल्यूशन कैंपेन एंटी डाउरी कैंपेन यूथ अगेंस्ट डाउरी प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन अगेंस्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड ग्रीन मार्केटिंग कैंपेन डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोशल मार्केटिंग सोशल मार्केटिंग सोशली डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को प्रमोट करती है इसकी हेल्प से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें सोशल मार्केटिंग ग्रीन मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेने में भी हमारी हेल्प करती है जैसे सस्टेनेबल पैकिंग सेविंग एनर्जी या मिनिमाइजिंग वेस्ट सोशल मार्केटिंग की हेल्प से हम सोशल इवल्स को इराडिकेट करके लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट वेज ऑफ मार्केटिंग और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कहीं से भी कभी भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि कोई सेल्स पर्सन आके आपको कुछ बता रहा है या फिर आप किसी के पास जाके कुछ सीख रहे हैं अपने घर में बैठ के टीवी में एक ऐड देखकर भी आप उससे उसका एडवांटेज ले सकते हैं आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए थैंक यू
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच अस एट द डिटेल्स मेंशन ऑन योर स्क्रीन. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.